डालासिन C300 mg कैप्सूल जो कि बनाई जाती है फ्राइजर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। क्लिंडामाइसिन 300 mg रहता है, 10 कैप्सूल का ये पूरा स्ट्रिप रहता है जिसका MRP 268 रुपीज़ रहता है। ये कैप्सूल जो कि ट्रीटमेंट करता है, बहुत सारे केसेस में इसको यूज़ किया जाता है जैसे कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको इस टैबलेट कैप्सूल्स के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाई या कोई भी कैप्सूल्स लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। डालासिन C300 mg कैप्सूल जो कि बनाया जाता है फ्राइजर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। क्लिंडामाइसिन 300 mg रहता है और ये एक एंटीबायोटिक्स है जो कि बैक्टीरिया से फाइट करता है और ये ट्रीटमेंट करता है बहुत सारे केसेस में जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में होता है, थ्रोट्स में होता है, स्टोमक में होता है, स्किन में होता है या सॉफ्ट टिश्यू में होता है या बोन में होता है या जॉइंट में होता है या दांतों में होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तब इसको यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इस टेबलेट को ज़्यादा ले रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो, कंटिन्यूसली ले रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे कि पेट में दर्द हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि आपको हो सकता है। तो इस टेबलेट का डोज और ड्यूरेशन डॉक्टर की सलाह से ले, डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना ले, तोड़ के वगैरह नहीं ले और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखें ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो डालासिन C300 mg कैप्सूल्स काम कैसे करती है, तो इसके अंदर जो कंटेंट डाला गया है वो क्लिंडामाइसिन से जो कि एक एंटीबायोटिक्स है जो कि प्रिवेंट करता है उस बैक्टीरिया के एसेंशियल जो प्रोटीन रहता है वो मिलने नहीं देता, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता, बैक्टीरिया का स्प्रेडेबिलिटी नहीं होता और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं बढ़ता। तो ऐसे काम करती है ये कैप्सूल्स। तो इस कैप्सूल्स के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी हो वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।